हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं आटे और गुड़ से बनने वाली ये बहुत ही नायाब से केक को। अगर आपने इससे पहले भी आटे और गुड़ से केक को बनाया होगा, लेकिन इस केक का जो स्वाद आएगा वो होगा बिल्कुल ही अनूठा, क्योंकि इसे हम बनाएंगे टॉप सीक्रेट के साथ। जिसे आप बनाएं, सिर्फ एक दो चीज़ें हैं, उसे हम करेंगे इस्तेमाल, और किस तरीके से करेंगे इसके लिए जुड़े रहिए और इस केक को आप जरूर ही बनाएं। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है गुड़, जिसे हम जागरी भी कहते हैं। इसे आप चाहे तो ग्रेट कर लें, कद्दूकस कर लें, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, या फिर तोड़ लें, और एक बर्तन में इसे डाल दिया। एक कप मैंने लिया है गुड़। अब इसमें एक चौथाई कप डाला है पानी को, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, एक चौथाई कप पानी को डाल के जिस कप से लिया है गुड़ को उसी का चौथाई हिस्सा पानी को डालिए और गुड़ को लो टू मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने दीजिए। बस 2 से 3 मिनट में ऐसा हो जाएगा। गुड़ की हमें चाशनी नहीं पकानी है, इसे हमें पकाना नहीं है, चाशनी नहीं बनानी है। और मेल्ट होने के बाद इसे अब आप किसी स्ट्रेनर में डालकर छान लें, जिससे जो भी इसमें गंदगी होगी वो निकल जाएगी। और यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा तैयार हो चुका। अब हम लेंगे आटा। बिल्कुल हेल्दी केक बनाइए और बच्चों को इत्मीनान से खिलाइए। आटे को भी हम छान लेंगे, स्ट्रेनर से छान लीजिए। छानने के बाद जो हमारी केक है वो काफ़ी अच्छी बनती है और इसे हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसके लिए डालिए मिल्क पाउडर। 2 चम्मच डाला है मिल्क पाउडर का और साथ में कोको पाउडर 1 से 2 चम्मच, जिससे आपका जो केक है इसमें आएगा बिल्कुल चॉकलेटी स्वाद। और 1 सैशे है कॉफ़ी का, ये हमारा है टॉप सीक्रेट। कॉफ़ी आप डालिए, कॉफ़ी को डालने से जो आप गुड़ का केक बनाते हैं वो बिल्कुल हो जाएगा चॉकलेटी। अब इसमें 1 चम्मच छोटे चम्मच से बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर रहेगा 1 छोटा चम्मच और मीठा सोडा 1/2 छोटा चम्मच, 1 पिंच यानी 1 चुटकी नमक। नमक को डालिए इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, सिर्फ 1 पिंच। और अगर आपको नमक नहीं डालना तो आप नमक को छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर जाइए। इसे मिक्स करके और दोबारा से हमने छान लिया हुआ है। अब हमें चाहिए दही, लेकिन दही जो लेंगे वो लेंगे बिल्कुल ताजी दही, फ्रेश दही हमें चाहिए, खट्टी बिल्कुल भी ना हो। दही अगर हमारी खट्टी होगी तो केक जो है उसका टेस्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। साथ में घी मैं ले रही हूँ, 1/2 कप लिया हुआ है घी। आप चाहें तो घी ले, बटर ले, या जो भी कुकिंग ऑयल आपको डालना है केक में डालें, लेकिन कोई स्मेल वाली और मस्टर्ड ऑयल नहीं। अब इन सारी चीज़ों को पहले आपस में अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद जो हमने रखा हुआ है आटे के घोल को, मतलब उसके पाउडर को, उसे इसमें डालते जाए। बर्तन ले लें कोई बड़ी, जिससे इसे अच्छे से आप मिक्स कर पाएँ। अब किसी भी बीटर से एक ही डायरेक्शन में आप इसे मिलाएं। केक को मिक्स करने का ये सही तरीका होता है, एक ही डायरेक्शन में करें और आपको हल्के हाथों से करना है। बहुत ज़्यादा आपको इसे फेंटना नहीं है, कम फेंटे, जिससे आपके जो केक है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। कोई कोई केक होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में चॉकलेट एसेंस में डाल रही हूँ, भाई ये हमारी चॉकलेटी केक बनेगी, तो मैं चॉकलेट एसेंस को डाल रही हूँ। आप चाहें तो वनीला भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे थिक सी हमारी जो है वो बैटर बन के तैयार है। और बिल्कुल आखिर में जो भी कमी रह गई होगी केक में, उसको पूरा करेगा 1 चम्मच वाइट विनेगर, प्लेन सिरका। जो भी कमी ज़्यादा हमारी केक में रह जाएगी बिल्कुल आखिर में आप डालें। और इन सारी तैयारियों के बीच में जिस भी बर्तन में बनाना है उसमें बटर पेपर को लगा दिया, थोड़ा ऊपर से इसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर दी है, घी को लगा दिया हुआ है। अब इस बैटर को डालें और बैटर आप दोबारा फिर से देख लें, बिल्कुल हमारी गाढ़ी सी है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पतली ना रखें, पतली रखेंगे हमारा केक जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन के तैयार होगा। तो इसे गाढ़ी ही रखें, जितनी गाढ़ी रहेगी उतना अच्छा परफेक्ट आपका केक बनेगा और बिल्कुल हेल्दी टेस्टी। इसे हल्का सा टैप टैप कर दें जिस भी बर्तन में आप डाल रहे हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बिल्कुल मार्केट का स्वाद चाहिए तो आप इसे डालें। बादाम है, थोड़े से किशमिश हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर अखरोट को भी डाल सकते हैं, या जो भी नट्स आपको पसंद हैं। अब कुकर में नमक को डाल दिया हुआ था
गर्म होने के लिए। 5 मिनट गर्म हुआ, स्टैंड को रखा, इसे हमने रख दिया और सीटी को निकाल दीजिए। और गैस के चूल्हे पे, सबकी गैस में एक पैसा वो होता है बर्नर जो बिल्कुल छोटी होती है, उसी पे आप इसे बैठाएं और 45 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे पकने दें। किसी भी स्टिक से 45 मिनट के बाद चेक करिए, कहीं से यह स्टिकी नहीं हो रही, चिपक नहीं रही। और केक को बिल्कुल बीचों बीच आप चेक करें, और अगर ऐसा लग रहा है कि वो हल्की सी चिपचिपी है तो आप उसे 2-4 मिनट के लिए और पकने दें। और बस केक हमारा बनके हो गया है तैयार। मार्केट में जाएं, यही एक केक आपको 400 से 500 से बिल्कुल भी कम में नहीं है मिलने वाला, और ऐसा केक बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर इसे ठंडा होने दें, पेपर को हटा दें और इसे आप फ्रिज में ना रखें। आप किसी भी कपड़े से, सूखे कॉटन के कपड़े से इसे कवर करके रख दें, जिससे केक आपकी हार्ड नहीं होगी और बिल्कुल स्पंजी केक बनके है तैयार। ज़रूर बनाएं, फिर मिलते हैं। बाय बाय।